नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर HSC के द्वारा हाल ही में जो नई अपडेट जारी की गई है, और अगर आप इन सभी अपडेटों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो एक घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस समय जब यहाँ पर ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, इनकी जो मेन जो वेबसाइट है इस पर है, तो ये जो यहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो जैसे जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला नोटिस रहेगा एडवर्टाइजमेंट 3/2021, डिटेल ऑफ PST फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फीमेल कैटेगरी नंबर 2 के लिए। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा 3/2021, डिटेल ऑफ PST फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मेल कैटेगरी नंबर 1 के लिए। और तीसरा आया है यहाँ पर 3/2016, डिटेल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ शिफ्ट अटेंडेंट के लिए। तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट आई है, तो जैसे जब यहाँ पर पहले वाला जो लिंक दिया गया है, ये वाले जो यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, तो जैसे यहाँ पहले वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो PDF है ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, और आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो ये आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर फीमेल एडवर्टाइजमेंट 3/2021 कैटेगरी नंबर 2 के लिए। यहाँ पर रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर स्टार्ट टाइम दिया गया है, स्प्लिट टाइम, फिनिश टाइम, नेट टाइम और रिजल्ट। क्यों का मतलब क्वालिफाई, एन क्यों का मतलब नॉट क्वालिफाई, NP का मतलब है यहाँ पर नॉट पार्टिसिपेट। तो ये आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, 33 पेज में यहाँ पर ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो आप जाइए यहाँ पर ये रिजल्ट देख सकते हैं, और इसका जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो अब जब हम लास्ट वाला जो यहाँ पर पेज है उसको एक बार देख लेते हैं, तो लास्ट वाले पेज पर अब हम आ गए हैं। यहाँ पर जाए इसमें देख सकते हैं, क्यों का मतलब क्वालिफाई, NKO का मतलब नॉट क्वालिफाई, और NP का मतलब नॉट पार्टिसिपेट। तो ये जाए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है। अब जब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसको देखेंगे, तो हम जो उसी पेज पर दोबारा से आ गए हैं। तो यहाँ पर ये मेल के लिए आया है, तो जैसे ही जब हम यहाँ पर इस दूसरे वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी PDF डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अब जब हम इस पर आ गए हैं, और आप ये देख सकते हैं, डिटेल ऑफ कैंडिडेट फिजिकल स्क्रीन टेस्ट PST सब इंस्पेक्टर मेल एडवर्टाइजमेंट 3/2021 कैटेगरी नंबर 1 के लिए। रोल नंबर, कैंडिडेट, स्टार्ट टाइम, स्प्लिट टाइम, फिनिश टाइम, नेट टाइम और रिजल्ट। क्यों का मतलब क्वालिफाई, NKO का मतलब है नॉट क्वालिफाई, और NP का मतलब है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो 196 पेज में यहाँ पर ये रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पेज जो है यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लास्ट वाला पेज जो है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। बाकी आप इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है उसको आसानी से आराम से देख पाओगे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, क्या वो क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाई और नॉट पार्टिसिपेट। तो ये जो हमारा यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट था, अब जब हम यहाँ पर जो तीसरा जो नोटिस है उसको देखेंगे, तो अब जब हम यहाँ पर जो तीसरा जो ये नोटिस जो आया है इस पर चलते हैं, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये भी जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ शिफ्ट अटेंडेंट एडवर्टाइजमेंट 3/2016 कैटेगरी नंबर 1। रोल नंबर है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और एग्जाम मार्क्स, एक्सपीरियंस वाइवा वॉइस के, और टोटल मार्क्स 200 में से। तो ये यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है।
और 132 जो पेज है इसमें, यहाँ पर ये रिज़ल्ट जारी हुआ है। इसका जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से देख पाओगे। अब जब हम एक बार जो लास्ट वाला जो पेज है उसको देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट HSC के द्वारा हाल ही में जारी किए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।